नमस्कार साथियों, मैं गोविंद दास और आज आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। दोस्तों ये जो दंती दुर्ग है वह वातापी का चालुक्य था, वातापी का चालुक्य अंतिम वातापी चालुक्य कीर्ति वर्मन का सामंत था दंती दुर्ग। दंती दुर्ग में दोस्तों 8वीं शताब्दी के आसपास राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली थी। राष्ट्रकूट वंशों का जो मूल प्रदेश है दोस्तों वो महाराष्ट्र के अंदर लातूर माना जाता है, लातूर माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और अशोक के अभिलेख में भी राष्ट्रकूटों के बारे में रटिक शब्द उपयोग में आया। राष्ट्रकूटों को कहा जाता था रटिक। ये जो दोस्तों राष्ट्रकूट है वह वातापी के चालुक्यों के सामंत थे। अंतिम शासक कीर्ति वर्मन को पराजित करके दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी थी। इसके अलावा दोस्तों वातापी के जो चालुक्य थे उनकी सहायता करने के कारण दंती दुर्ग को पृथ्वी वल्लभ की उपाधि प्रदान की गई थी। पृथ्वी वल्लभ की उपाधि प्रदान की गई थी क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां से अरबों का आक्रमण हो रहा था। इस अरबों के आक्रमण से दंती दुर्ग ने वातापी के चालुक्यों की सहायता की थी, इसलिए इसको दंती दुर्ग को उपाधि मिली थी पृथ्वी वल्लभ की। ठीक है दोस्तों, एक बड़ा बड़ा देख लेते हैं। दंती दुर्ग के बाद में दोस्तों इसका चाचा आया था जिसका नाम है कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने, आप जानते हो कि कृष्ण प्रथम के द्वारा 756 ईस्वी में एलोरा का शिव मंदिर बनाया गया था। 756 ईस्वी में एलोरा का शिव मंदिर। दोस्तों अजंता एलोरा की गुफा आप देखी होगी महाराष्ट्र में, ये वही है एलोरा की गुफा। एलोरा की के अंदर दोस्तों तीन प्रकार के मंदिर बने हुए, एक तो आपके मंदिर बने हुए वैष्णव, एक बने हुए दोस्तों शिव के, और एक बने हुए आपके जैन के। तो जैन बौद्ध और वैष्णव शैव हिंदू धर्म के, बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के, ये तीनों एलोरा के शिव मंदिर में, एलोरा के में तीनों मंदिर बने हुए। एलोरा का जो शिव मंदिर है वो कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद में आता है दोस्तों ध्रुव प्रथम। ये ध्रुव प्रथम पहला ऐसा शासक है जिसने त्रिपक्षीय त्रिकोणीय संघर्ष या त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतर्गत भाग लिया था, और उसने दोस्तों गुज्जर प्रतिहार शासक वत्सराज तथा पाल नरेश धर्मपाल इन तीनों को, इन दोनों को पराजित किया था। और पराजित करने के बाद अपना जो राज चिन्ह होता है उसमें दोस्तों गंगा और यमुना का प्रतीक चिन्ह इसने लगाया था ध्रुव प्रथम के द्वारा। उसके अलावा दोस्तों ध्रुव प्रथम की उपाधि थी धारावर्ष, धारावर्ष इसने उपाधि के रूप में लिया था। इसके अलावा दोस्तों ध्रुव प्रथम के बाद में आता है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय ने पाल शासक धर्मपाल और प्रतिहार शासक नागवर प्रथम इन दोनों को पराजित किया था। धर्मपाल और गुज्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट आपके तृतीय को पराजित किया था। इसके अलावा दोस्तों ये जो गोविंद तृतीय है इसने श्रीलंका के राजा को पराजित करके अपने शहर लेके आया था, और वहीं पर उसने अपनी मूर्ति और इसके इष्ट देव, इसके राजा और इसके मंत्री इन दोनों को पराजित करके ये अपने शहर लेके आया था जिसका नाम है हालापुर। इस हालापुर ने, हालापुर के अंदर उसने अपने शिव मंदिर के सामने प्रतीक चिन्ह के रूप में श्रीलंका के इष्ट देव की मूर्ति को लगा दिया। ये शासक था दोस्तों गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय के बाद में आता है अमोघ वर्ष। दोस्तों ये अमोघ वर्ष जैन धर्म का पोषक था। अमोघ वर्ष बहुत ही बेहतरीन
शासक था, इसके समय में बहुत ही अच्छा कार्य हुआ। इसने दोस्तों अपनी अंगुली देवी को काट कर भेंट में दे दी थी अपनी प्रजा को बचाने के लिए। और ये कन्नड़ भाषा का बहुत ही बड़ा विद्वान था, इसने अपना एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है कविराज मार्ग, ये इसके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। इसके अलावा रत्नमालिका भी इसके द्वारा ही लिखी गई है। इसके साथ ही अमोघ वर्ष के बाद में आता है आपके इंद्र तृतीय, और उसके बाद में आता है दोस्तों कृष्ण तृतीय, उसके बाद में आता है कल द्वितीय। तो दोस्तों इंद्र तृतीय के समय में अरब यात्री अल मसूदी आया था। ये अल मसूदी इंद्र तृतीय को दोस्तों बिल्ला के नाम से बोलता है, और इंद्र तृतीय को पूरे भारत का सबसे ताकतवर राजा इंद्र तृतीय को ये बोलता है। और अल मसूदी ये दोस्तों बगदाद का रहने वाला था, जिसे आज हम इराक कहते हैं। और कृष्ण तृतीय के द्वारा दोस्तों इस वंश को उसी समय एक नई ऊंचाइयों पर ले जाया गया था, इसने पतन होने से इसको बचाया था। उसके बाद में अंतिम शासक आता है कल द्वितीय। इस कल द्वितीय का दोस्तों सेनापति था तेलक द्वितीय। इस तेलक द्वितीय ने कल द्वितीय को पराजित करके कल्याणी के चालुक्य, दोस्तों कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव रखी थी, ठीक है दोस्तों। और राष्ट्रकूटों के दंती दुर्ग ने अपना एक राजदूत, अपना एक उसने हिरण्य गर्भ यज्ञ किया था, हिरण्य गर्भ यज्ञ किया था दोस्तों अवंती में, और उसने हरिश्चंद्र को, हरिश्चंद्र को जो कि गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था, गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र, दंती दुर्ग ने अवंती के अंदर हिरण्य गर्भ यज्ञ किया था, जिसमें हरिश्चंद्र को उसने द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया था। ये जानकारी हमें अमोघ वर्ष के संजन ताम पत्र से पता चलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो राष्ट्रकूट किसके सामंत थे, वातापी के चालुक्यों के, वातापी का अंतिम चालुक्य था कीर्ति वर्मन, उसका उसका एक सेनापति या सामंत था दंती दुर्ग, उस दंती दुर्ग ने इसको पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी थी। दंती दुर्ग ने अरबों के आक्रमण से वातापी के चालुक्य को बचाया था, इसलिए उसको उपाधि दी गई थी दोस्तों, ठीक है, प्रतिवल्लभ की। उसके बाद में राष्ट्रकूटों की नींव उसने रखी। दंती दुर्ग के बाद उसका चाचा आता है कृष्णदेव प्रथम, 1756 में एलोरा का शिव मंदिर का निर्माण करता है। एलोरा में दोस्तों वैष्णव मतलब हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म इन तीनों के मंदिरों का निर्माण किया गया था। फिर ध्रुव प्रथम आता है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला दक्षिण भारत का पहला शासक ध्रुव प्रथम था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में गोविंद द्वितीय आता है, गोविंद द्वितीय के बाद में अमोघ वर्ष आता है। गोविंद द्वितीय के बारे में मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका के राजा को कैद करके लेके आता है हालापुर में। उसके बाद अमोघ वर्ष आता है, ये कविराज मार्ग ग्रंथ की रचना करता है उस कन्नड़ भाषा के अंतर्गत। इसके अलावा ये जैन धर्म का पोषक होता है, इसके संबंध में एक जैन साधु था जिसका नाम है दोस्तों जिनशन, और जिनशन के द्वारा लिखी गई थी आदि पुराण, ये इनके कहने पर ही अमोघ वर्ष जैन धर्म में दीक्षित हुआ था, जिनशन के कहने पर। ये बहुत ही बड़े जैन संत थे। तो अमोघ वर्ष के संजन ताम पत्र में पता चलता है कि दंती दुर्ग ने अवंती के अंदर एक हिरण्य गर्भ यज्ञ किया था, जिसमें गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र द्वारपाल की भूमिका निभाई थी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आता है अल मसूदी बगदाद यात्री अल मसूदी, और ये दोस्तों अल मसूदी है, ये इसको कहता है बलहर इंद्र तृतीय को बगदाद निवासी अल मसूदी बलहर की संज्ञा देता है, बलहर, और भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा इंद्र तृतीय को बताता है। उसके बाद में आता है कृष्ण तृतीय और अंतिम राष्ट्र दोस्तों कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय के काल में पंपा पुन्ना आदि कन्नड़ लेखक रहते थे। कृष्ण तृतीय के बाद में अंतिम शासक आता है दोस्तों कर्क द्वितीय। ये कर्क द्वितीय जो शासक था उसका सामंत था तेलक द्वितीय। ये तेलक द्वितीय का राष्ट्र अंतिम शासक
कृतदित्य को पराजित करके कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डालता। तो दोस्तों वापस एक बार देख लेते हैं कि राजपूत वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग, संस्थापक, और राजपूत वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक था दोस्तों कर्कदित्य। ठीक है दोस्तों राजपूतों का मूल स्थान लातूर माना जाता है और अशोक के अभिलेखों में भी राजपूतों को रटिकों की संज्ञा दी गई थी। वातापी का अंतिम चालुक्य था कीर्तिवर्मन, इसको इसका सामंता दंती दुर्ग ने 752 ईस्वी में स्वतंत्र राजपूत राज्य की स्थापना की थी। इनकी राजधानी बनाई थी दोस्तों मान्यखेल, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है। इसके राजधानी राजपूतों की मान्यता राजधानी थी मान्यखेल। अरबों के विरुद्ध चालुक्य नरेश की सहायता करने के लिए दंती दुर्ग को पृथ्वीवल्लभ की उपाधि प्रदान की गई थी। उसके बाद उसका चाचा आया था कृष्ण प्रथम ने 756 में एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनाया। इसको शत प्रजापाल और कृत प्रजापाल की उपाधि प्रदान की गई थी। दुर्योधन 780 से 793 तक आया था, प्रथम राजपूत शासक जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, प्रतियारों और पालों को युद्ध में हराया। उसने अपने राजचिन्ह में गंगा और यमुना की दोनों की मूर्तियों के राजचिन्ह के रूप में शामिल किया। इसकी उपाधि थी दोस्तों धारा वर्ष। उसके बाद में आता है गोविंद तृतीय, इसका पुत्र होता है ध्रुव प्रथम का, सबसे प्रतापी शासक होता है, पाल शासक धर्मपाल और प्रतिहार शासक नागपटन दोनों को यह हराता है और श्रीलंका के राजा व मंत्री को दोनों को बंदी बनाता है और श्रीलंका के इष्ट देव की मूर्ति को मंदिर से उठाकर अपने शहर हालापुर में लेके आता है और हालापुर में शिव मंदिर के सामने उसको विजय स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित करवाता है। तो दोस्तों उसके बाद में आता है अमोघगढ़ 814 से 871 ईस्वी तक शासन करता है। इसका ग्रंथ है कविराज मार्ग और इसके साथ ये जो कविराज मार्ग ग्रंथ है वो दंडिन के काव्यादर्श पर आधारित है और ये दोस्तों कविराज मार्ग कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। अमोघगढ़ के समय में 3 कवि उसके दरबार में रहते थे, जींस है जिसने आदि पुराण की रचना की थी और उसे पूरा गुणभद्र के द्वारा किया गया था। जींस ने हरिवंश और पार्श्व अभ्युदय ये 2 किताब और लिखी थी। महावीराचार्य ने गणित साध संग्रह लिखा था और सप्तायन ने अमोघवर्ती नामक ग्रंथ की रचना की थी। बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों, जींस ने लिखा था आदि पुराण, उसके बाद में हरिवंश और पार्श्व अभ्युदय, उसके बाद में महावीराचार्य ने लिखा था गणित साध संग्रह और सप्तायन ने लिखा था अमोघवर्ति। ये तीनों इंपोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, आप नोट कर लेना। जय धर्म संजय लेख में इसे सासाम या चंद्रगुप्त से भी महान बताया है। ये संजय धर्मलेख है दोस्तों अमुक वर्ष का, ये स्मृति पक्ष संघर्ष के बारे में जानकारी मिलती है और इसमें यह भी पता चलता है कि दंती दुर्ग ने हिरण्य गर्भ यज्ञ किया था जिसके अंतर्गत दोस्तों गुज्जर प्रतिहार शासक हरिचंद्र ने द्वारपाल की भूमिका निभाई थी। फिर आता दोस्तों इंद्रदित्य 915 से 927 अरब यात्री मसूदी ने इंद्रदित्य को बल्लभ कहा है और भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, अल मसूदी, ये याद रखना, अरब यात्री मसूदी ने इसको बल्हर कहा। कृष्णदित्य आता है 915 से लेकर आपके सॉरी ठीक है, उसके बाद में कृष्णदित्य आता है, कृष्णदित्य की उपाधि थी दोस्तों अकाल वर्ष और 949 के तक्कोलम के युद्ध में चावल नरेश परांतक प्रथम को ये पराजित कर देता और उसकी सेना है दोस्तों कृष्णदित्य की सेना आपके रामेश्वर तक पहुंच जाती है। कांची व तंजोर को जीतने के बाद है कांची युग तजेयम कौन, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, इसकी उपाधि इंपोर्टेंट है, कांची युग तजेयम कौन की उपाधि दोस्तों धारण करता। ये कृष्णदित्य के समय में पंपा जिसने आदि पुराण लिखी थी, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कृष्णदित्य के काल में पंपा ने आदि पुराण जबकि कौन ने शांति पुराण की रचना की थी। इसको कौन है वो संस्कृत और कन्नड़ दोनों का राजकवि था, इसलिए इसको उभय कवि चक्रवर्ती की उपाधि प्रदान की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन है वो शांति पुराण की रचना की थी और इसलिए इसको कन्नड़ और संस्कृत दोनों भाषाओं का कवि होने के लिए उभय कवि चक्रवर्ती की उपाधि प्रदान की गई थी और हलायुग ने उसमें कवि रहस्य की ग्रंथ लिखा था। इसने कृष्णेश्वर मंदिर और गढ़ मातंडादित्य मंदिर का निर्माण किया था। फिर आता अंतिम राजपूत शासक कर्कदित्य, चालुक्य शासक तिलकदित्य ने पराजित करके कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की दोस्तों। एलोरा का शिव मंदिर कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया और एलिफेंटा की 3 मूर्ति राजपूत काले।
ठीक है दोस्तों, हम ये देख चुके हैं, आपको ये कैसा लगा हमें भी बताइएगा। और अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, इसके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों पहला सवाल है, कर्त प्रजापाल किसकी उपाधि थी? गंगा व यमुना की मूर्ति किसके राज चिन्ह में अंकित होती थी? कौन सा वो राजपूत शासक था? राजपूत वंश का संस्थापक। तीसरा क्वेश्चन, राजपूत वंश का संस्थापक कौन है? चौथा क्वेश्चन, राजपूतों की राजधानी का नाम लिखो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।